ये देखिए, ये वाली देखिए, पीछे वाली देखिए, आप कितने भी बनारस का फोटो देखोगे इंस्टाग्राम पे, पेजेस देखोगे, इन पे इनके साथ फोटो जरूर होगा। Hi guys, what's up? Welcome back to the vlog. तो आज का व्लॉग शुरू कर रहे हैं यहाँ ग्राउंड से, शाम के 5 बजे, सब 5:30 बजे, 6:30 हो रहा है, मुझे टाइम भी नहीं पता चल रहा है 6:40 हो रहा है, हम कब कहाँ आए हैं, एक्सरसाइज वगैरह करके बैठे हैं। इसी के बगल वाले ग्राउंड में हम आते हैं, ये क्रीड़ा मैदान है, DLW का क्रीड़ा मैदान। आज इसमें वर्कआउट कर रहे हैं क्योंकि शाम में इसमें अच्छा लगता है, उसमें अंधेरा हो जाता है, सामने ढेर सारे लोग क्रिकेट फुटबॉल भी खेल रहे हैं, मेरा मन तो कर रहा है जाके खेलने का उनके साथ, लेकिन यार हम ना अनजान लोगों से बात करने में बहुत झिझकते हैं, इसलिए हम अपने ही वर्कआउट में मस्त हैं। सो वर्कआउट इज कम्प्लीट हो गया है, अब यहाँ से सीधे चलते हैं, घर नहीं जाना है, घर से अभी फोन आ गया है, ओम का आज छुट्टी रहा तो अम्मा घर गए हैं, तो उन दोनों को लेने पहले जाना होगा क्योंकि उन सबके सर के आने का टाइम भी हो रहा है, हम तो काफी देर से यहाँ पे, मेरा एक्सरसाइज वगैरह हो गया है। पिछले ब्लॉग में जैसे आपको बताया था कि छत पे सफाई करनी थी, तो आज सुबह सफाई किए थे, तो उसके वजह से वैसे भी मेरा पूरा शरीर दुख रहा था, तो यहाँ पे थक गए हैं एकदम, अब चलते हैं घर। और हाँ, ये देखिए, ये पूरा ये बाउंड्री है ऐसा, और गेट लगा, ऐसा नहीं गेट नहीं लगाया, लेकिन कौन क्रिकेट खेलने आते हो इतना तेज मारा बॉल खा दी, और क्या क्या किया दिन भर? मोबाइल से खेला, अम्मा ने पूछा ज्यादा देर मोबाइल को नहीं, चलो घर रखो आ बेटा बैक हो, घर आ गए। ये देखिए दोनों लड़ाई, आज ब्लॉगिंग सोच रहा था करे नहीं, लेकिन ब्लॉगिंग के देवता मेरे सपने में आए, ब्लॉगिंग के देवता मेरे सपने में आए, बोले कि काना काना एक साथ ब्लॉग करो, लोग देखेंगे और ब्लॉग जरूर करो, सपने में मुझे एक आइडिया दिए, उस आइडिया में मैं ब्लॉग कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। टी शर्ट चेंज करे सोच के कि वो गंदा हो गया, लेकिन ये भी गंदा लग रहा है, तो उसको चेंज कर लेते हैं, और ओम कान्हा वीडियो में दिखेंगे नहीं क्योंकि वो दोनों गए सर का होमवर्क करने। सोचिए आज मंडे है, सैटरडे का सर इसके होमवर्क दिए, सैटरडे नहीं किया, संडे नहीं किया, मंडे दिन भर नहीं किया, अभी को सर के आने का 10 मिनट बचा है, सब बैठे हुए हैं, तो उन सबको छोड़ते हैं, और एक सडन चेंज है प्लान में, आपको लेके चलते हैं लंका। वेलकम टू 80 घाट। तो हम लोग लंका से होते हुए 80 घाट आके लंका रुके नहीं, इतनी भीड़ थी, थोड़ा देर यहाँ रहते हैं। अब 3 दिन लगातार आ रहे हैं ना? हाँ, 3 दिन लगातार 80 घाट पे। सारे बोट वाले कब से बुला रहे हैं, ये देखिए कितने अच्छे अच्छे बोट है, भाई भाई सीढ़ी है, एक लग नीचे जाए लगे, इतना अच्छा अच्छा बोट देखिए सजा हुआ है, सारे सब बुला रहे हैं, हम लोग क्या, हम लोग तो ये घूमते रहते हैं, इतना नहीं जाएंगे, बहुत सुंदर लग रहा है, ये वाला देखिए सुंदर लग रहा है, आगे वाला देखिए, ये लोग देखिए वापस आ गए, ये जा रही है, हम लोग भी अभी आगे चलते हैं, आगे रास्ते भर आपको दिखाएंगे, ढेर सारी कलर की बोट आएंगे, जो झूला है उसमें झूले में भी बैठने की कोशिश करेंगे। इतने सुंदर सुंदर जगमगाते हुए बोट्स, वो देखिए एक और आ रहा है, बोट्स देखते हुए हम खाली चल रहे हैं, थोड़ा सा घाट टू घाट जाएंगे, बोट्स की कमी नहीं है, मतलब ये हो रहा था ना कि आप वीडियो ले लो जल्दी जल्दी, वहीं पे छूट जाएगा, वरना बोट्स आते जा रही हैं, आते जा रही हैं, बहुत बढ़िया बोट देखिए ब्लू वाली, एक और आ रही है, तो हम अपने कैमरे से कैप्चर नहीं कर रहे हैं, मैं चाचू का उनका गूगल पिक्सल है ना, उससे बहुत बढ़िया फोटो वीडियो आ रहा है, ले लीजिए वीडियो। इस पे चढ़ा जाए क्या? आइए चढ़ा जाए इस पे, आइए ना, इधर गीला है, यहाँ पे स्लिप कर सकता है, आगे जाके गीला है, पानी वगैरह लग रहा है, गिर रहा है, तो स्लिप कर सकते हैं।
तो ये आप जितने फोटो ये देखिए, ये वाली देखिए, पीछे वाली देखिए, आप कितने भी बनारस का फोटो देखोगे इंस्टाग्राम पे पेजेस देखोगे, इन पे इनके साथ फोटो ज़रूर होगा। ये अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छी पेंटिंग है। तीन यहाँ है, आगे हर जगह है रास्ते पे, लेकिन इनके बराबर कोई नहीं। मस्त लगता है ये, काफ़ी मतलब यूनिक सा लगता है, योगी टाइप का लगता है। और यहाँ उमस बहुत हो रहा है, देख लो पूरा पसीना पसीना हो गया, गर्मी बहुत है। देख तो जैसा देख सकते हो पीछे कितना सुंदर लग रहा है पूरा, ये पीछे तक देख क्या वो देखिए, बोट तो आती जाती रहती है, बोट का ख़त्म होने का नाम नहीं है। और घाट ये वाला देखिए कितना अच्छा लिटअप है, ये पूरा लाल से फिर पीछे, और वो उधर का दिखाना भूल गए, वो भी सुंदर है। आगे देखिए ये शिवाला घाट है, मतलब हर घाट का आपको नाम मिलेगा। ये महानिर्वाणी घाट है, आगे शिवाला घाट है, उसके आगे एक और दूसरा घाट है, मंदिर है। अरे तो एक एक घाट का नाम आपको याद रहेगा, जो थोड़े थोड़े दूर पे कितना सारा घाट है। हमको ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 घाट का नाम याद होगा, बहुत ज़्यादा घाट है ना, हर थोड़े थोड़े दूर में जो जैसे जहाँ से आप उतर सकते हो वो एक घाट है, उस घाट का नाम यहाँ खाली पड़ता है ना शिवाला घाट पे। तो हमारे घर में एक जन गुजरे थे, तो जो बाल वगैरह छिलवा के हम लोग यहीं नहाए थे, ये शिवाला घाट है, यहीं नहाते थे और यहीं से ऊपर जाके बाल वगैरह भी छिला था। और मेरे नाना भी गुजरे थे ना, मेरे नाना गुजरे थे तो हम तो वहाँ मणिकर्णिका के पास। तो ये मेरे पीछे आप ये देख रहे हो ना, ये इलेक्ट्रॉनिक क्रीमेशन ग्राउंड है, मतलब जो मशीन से जलवाते हैं अंतिम संस्कार, मशीन से जलवा के लोग, जो ये हरिश्चंद घाट है, मतलब हम हरिश्चंद घाट पे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोग जलाते हैं अपना आने के लिए, जो मैनुअली जलाना चाहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन वाला। और यहाँ पे काफ़ी नेगेटिविटी है, हम ज़्यादा अंदर नहीं जा रहे हैं, यहाँ का एक एनर्जी फील हो जाता है नेगेटिव। थोड़ा सा आपको दूर से दिखा देते हैं, घाट पे लेट हो गया था, 9:15 हो गया ना, झूला झूलने का प्लान था लेकिन निकल आए, मोमोज खा रहे हैं यहाँ पे और खा के बस निकल जाएंगे घर। Oh, we all did.